देखिए, ये तो उस दिन तय हो गया था राहुल जी, राजीव जी, कि जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रवेश किया था भारत जोड़ो यात्रा के समय, और 24 दिन बिताए थे। आप अगर पूरी पट्टी का देखें, वो जिस पट्टी से गुजरे थे राहुल गांधी कर्नाटक में, उस पूरी पट्टी में उनका भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। अगर कोई भारत यात्रा कर लेंगे राहुल गांधी 2024 के पहले, और कांग्रेस के बड़े नेता देश में घूम लेंगे 2024 को के पहले, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सिरे से प्रियंका गांधी चल रही हैं, दूसरे से राहुल गांधी चल रहे हैं, तीसरे से खड़के चल रहे हैं, तो इस देश में किस तरह की राजनीति बनेगी। और इस बात को कोई रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो भी सकता है। मैं जो एक बात बार बार कही जा रही है कि मोदी को, अपनी नरेंद्र मोदी को इस हार को स्वीकार करना चाहिए। हार स्वीकार करके मोदी को क्या करना चाहिए? हम नरेंद्र मोदी से अटल बिहारी वाजपेयी बनने की उम्मीद कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव हार गए थे, उन्होंने अपनी सक्रिय राजनीति से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि एक से एक, एक के बाद एक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आप हिमाचल देखें, पंजाब देखें, कर्नाटक देखें, लोकसभा के उपचुनाव देखें, जितने भी उपचुनाव हैं वो देखें, हार रही है। सुझाव तो हम ये दे सकते हैं, प्रधानमंत्री को अटल जी बनने के लिए इतिहास में, वो इस समय अपनी प्रसिद्धि के चरम उत्कर्ष पर हैं, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को आजाद कर देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 2019 में आपको याद है कि नहीं? मुझे तो याद है, लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिए जिसमें, जिसको राहुल जी ने संबोधित किया था। सार्वजनिक रूप से उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जयप्रकाश नड्डा के नेतृत्व में उनके ही राज्य में पार्टी हार गई हिमाचल में। कर्नाटक में आपने देखा कितनी बुरी हार हुई है, जहां नड्डा जी ने इतना प्रचार किया। वो चाहते तो सबसे पहला काम इस्तीफा देने का करते हैं, वैसे भी उनका कार्यकाल शायद जनवरी तक का ही है। आप भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस बनने की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। कांग्रेस का इतिहास 138 साल पुराना है, और बहुत संघर्षों में से निकल के कांग्रेस पार्टी बनी है, आज जिस हालत में है। हम ये नहीं जानते कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी क्या बनेगी, क्या रहेगी। देखिए राजीव जी, मैं चूंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए रिवाइवल का एक मौका मानता हूं। कांग्रेस का रिवाइवल तो हो चुका है, ये भारतीय जनता पार्टी के रिवाइवल का अवसर है।
नरेंद्र मोदी चाहें तो कर्नाटक की हार को भारतीय जनता पार्टी की जीत में बदल सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से आजाद कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी किसी खड़गे को पैदा कर सकते हैं, किसी शिव कुमार को पैदा कर सकते हैं, किसी सिद्धारमैया को पैदा कर सकते हैं। मुझे जो डर है, मैं जो देख रहा हूं कि अगर मोदी जी चाहें तो भी अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय कम है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, जहां के चुनाव होने जा रहे हैं, मैं मिजोरम की बात नहीं कर रहा हूं। मोदी जी ने अपने आप को पार्टी से बहुत बड़ा कर लिया है और इन राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को उन्होंने स्थापित ही नहीं होने दिया। आप अगर किसी संवाददाता को भेजकर पता करें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की क्या हालत है, नंद कुमार साय जैसा आदमी जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष था और पिछले 60-50 सालों से जो राजनीति कर रहा है, आदिवासी नेता है पूरे छत्तीसगढ़ का, ये दीपक जी बता सकते हैं नंद कुमार साय के बारे में। उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में क्यों आना पड़ा? मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी बहुत ही स्थापित नाम है, मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के, जनसंघ के, संघ के, आरएसएस के स्थापित नेताओं में रहे हैं। उनका बेटा दीपक जोशी पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हो गया। इस समय जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक नए किस्म की बेचैनी उभर सकती है और वो बेचैनी जो है वो कार्यकर्ताओं के स्तर पर जो नाराज हैं, बहुत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी में लोग, ये जो कांग्रेस से डिफेक्ट करके लाए हुए हैं लोग और जो बरसों से दरी चादर बिछा रहे थे उनके ऊपर जिन लोगों को बिठाया गया उनसे नाराजगी है। तो ये जो कर्नाटक का परिणाम है वो ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी है संगठन में कि आपके पास नेता बहुत है कार्यकर्ता नहीं है। तो मैं अभी तो इतना कहता हूं, बाद में आप जब कहेंगे तब और अपने विचार व्यक्त कर दूंगा। और